और जो भी बातें जो भी पॉलिसी बनी वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई पॉलिसी पर ही काम हुआ था। तो उन्होंने मांग की कि अगर शराब पे बात ही करनी है, शराब पे सीबीआई इंक्वायरी करनी है, तो 2013 से सीबीआई इंक्वायरी करें। देखिए, शराब नीति 2013 में लागू हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके पहले ठेका पद्धति के शराब के ठेके हुआ करते थे, पर 2013 के बाद छत्तीसगढ़ की शराब नीति का सरकारीकरण किया गया और सरकार शराब की दुकानों का संचालन, प्लेसमेंट के माध्यम से वहाँ पे कर्मचारियों का संचालन और जो भी पॉलिसी बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2013 से 2018 तक बनाई गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया गया और उसके आधार पर ही, चूँकि 2018 के बाद 2019 से कोरोना काल आ गया था, 2 साल कोरोना रहा, उसके बीच में भी हमारी सरकार ने लगातार दुकानों की संख्या कम की, शराब की कीमत थोड़ी बढ़ाती रही, पर हमारा राजस्व नुकसान कहीं नहीं हुआ। और जो भी बातें जो भी पॉलिसी बनी वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई पॉलिसी पर ही काम हुआ था, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी की बात हो, चाहे शराब ठेके का जो सरकारीकरण था उसकी बात हो, चाहे उन्होंने कहा कि 3 ही कंपनियों को ठेका दिया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जिनकी डिस्टिलरी है हम उन्हीं को कॉम्पीट करने देंगे। और उसी आधार पर जब हमारी सरकार आई तब छत्तीसगढ़ की मैं 3 डिस्टिलरी हैं जो शराब, देसी शराब और विदेशी शराब सप्लाई करती है। उन्हें हमने तो आज सदन में मांग की कि अगर शराब पे बात ही करनी है, शराब पे सीबीआई इंक्वायरी करनी है, तो 2013 से सीबीआई इंक्वायरी करें ताकि दूध का दूध पानी हो कि आखिर पॉलिसी बनाई कैसे गई थी, क्यों बनाई गई थी, किसके फायदे। उस समय भी होलोग्राम का मुद्दा आया था कि फॉल्स होलोग्राम के थ्रू में शराब की बोतलें निकल रही हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन पर इसकी इंक्वायरी, हम तो कहते हैं कि हर चीज़ की इंक्वायरी कर लें, हर चीज़ की सीबीआई इंक्वायरी कर लें, हर चीज़ सामने आ जाएगी कि आखिर किनके द्वारा किस तरीके से कहां बदमाशियां की गई। देखिए, शराब नीति में दोनों पहलू है, जहां पर कोई भी नीतियां आती हैं तो कुछ वहां पर चोरी के रास्ते भी निकलते हैं और लोग करते हैं, पर पॉलिसीज़ में हमेशा सुधार की ज़रूरत होती है। पर हमारी 5 सालों की सरकार में कोरोना काल के बाद भी रेट ज़्यादा करने का मतलब ये था कि लोग कम शराब पिए, दुकानें कम कर दी गई, पर रेवेन्यू का लॉस कहीं नहीं हुआ। रेवेन्यू छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है वो बढ़ा। जहाँ तक शराबबंदी की भी बात होती थी तो इसके लिए भी बहुत सारी स्टडी सेंटर्स बनाए गए थे, बाहर विधायकों का दल भेजा गया था कि हम कैसे धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े, पर शराब से रेवेन्यू लॉस कहीं नहीं हो। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो गलत है।